अगर अभी भी एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के ऊपर आपको अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही, बिकॉज अभी बहुत सारे लोगों के साथ ये केस हो रहा है और लोगों का आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी पब्लिक किया था जिसमें मैंने बताया था कि भैया अब आपका पैन कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जैसे कि सबसे पहले हुआ था आपका आधार कार्ड, यानी पहले हुआ था आधार कार्ड और फिर उसके बाद हुआ आपका पैन कार्ड, यानी पहले आधार कार्ड नॉट एक्सेप्टेबल था, अब आपका पैन कार्ड को भी डिनाई कर दिया गया है। बट आखिर में करें तो करें कैसे और कौन से डॉक्यूमेंट से करें? देखो रिसेंटली जो मैंने वीडियो था मैंने बताया था उसमें चार डॉक्यूमेंट्स पहले चाहिए होते थे, तो उसमें से एक तो ख़त्म हो गया, बचे आपके पास तीन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप इजिली अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो। बट उसके लिए करना कैसे है, क्योंकि पूरा प्रोसेस बदल चुका है, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन, सारे नियम, नए कानून, सब कुछ हो चुका है, तो क्या पूरा प्रोसेस, उसको सब कुछ लाइव प्रूफ दिखाऊंगा ताकि आप समझो और उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ को फॉलो करो। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मेरे पास अकाउंट है, एक मेरे पास अकाउंट है जिसके ऊपर अभी रिसेंटली मेरे पास आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का केस आया है। आप सब कुछ समझ लो कि कैसे करना है और 2023 में पूरा अलग तरीका हो चुका है। जैसे आप देखोगे ये मेरी स्क्रीन है और स्क्रीन पे आप नोटिस करोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि भैया प्लीज़, यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, प्लीज़ साइन इन इनटू योर एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी पेयर, क्योंकि ताकि आपकी पेमेंट और आपका जो मोनेटाइजेशन है वो कंटिन्यू रहे। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे एडसेंस में आते हैं, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो एडसेंस अकाउंट में यहाँ पे लिखा आ रहा है वो देखो क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे कि योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज योर पेमेंट। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से पेमेंट में आते हैं और यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो मेरे पास वेरिफिकेशन चेक है इस पर क्लिक करते हैं, और जैसे क्लिक करते हैं तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे वेरीफाई योर आइडेंटिटी, और स्पेशली यहाँ पे मेंशन है कि भैया ये जो पेमेंट वेमेंट है आप जल्दी से कंप्लीट कर लो, अन्यथा आपके पास जो टाइम है, वेरीफाई योर आइडेंटिटी विद आवर पार्टनर इन कोड बाय 1 फेब 2023, यानी 1 फरवरी, तो आप कर लो इसको फटाफट। और आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी बताया है, जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे 90 डेज़ के बाद, यहाँ पे देखो लिखा भी आ रहा है इट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड आफ्टर 90 डेज़, यानी जो भी आपका यहाँ पे लिखा, देखो लिखा आ रहा है द डेटा कलेक्टेड इज़ नॉट स्टोर्ड और प्रोसीड बाई गूगल एंड ओनली यूज फॉर आइडेंटिटी एडसेंस वेरीफिकेशन प्रोसेस, और ये ऑटोमेटिक 90 डेज के बाद में हट जाएगा। तो क्या प्रक्रिया, देखो यहाँ पे स्पेशली एक और चीज़ मेंशन है, देखो लिखा आ रहा है कि रिटर्न टू ओल्ड प्रोसेस, आप मत क्लिक करना क्योंकि नए प्रोसेस से ही आप अपने इस अकाउंट को वेरीफाई करना। आप यहाँ पे टेक एक्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे रीडायरेक्टिंग आ जाएगा और इसके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा इनकोड वेलकम, तो इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे इनकोड वेलकम आ जाता है तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को लेना है, ध्यान से समझिए और उसको देख के चलने दीजिए। अब यहाँ पे दो तीन मेथड है, सबसे पहला है कंटिन्यू ऑन डेस्कटॉप, और आपके पास एक है स्कैन क्यूआर कोड टू एक्सेस ऑन योर मोबाइल डिवाइस, और यहाँ पे लिखा रहा है सेंड वेरिफिकेशन लिंक टू इन माई फ़ोन, तो यानी आप इस पर नंबर डालेंगे आपके पास ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा, और या डायरेक्ट आप यहाँ पे स्कैन कीजिए, देखो यहाँ पे लिखा रहा है स्कैन करो, कैमरा यूज़ करो, ये और ये फला 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 करके भैया ऐसे ऐसे कर लो। तो चलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसको स्कैन करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे स्कैन करते हैं, और ताकि आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैमरा ओपन करने के बाद इसको मैं यहाँ से स्कैन करता हूँ मैं, और ये जो आपका यहाँ पे क्यूआर कोड दे रखा उसी को आपको स्कैन करना है, तो मेरा स्कैनर यहाँ से आ जाए ये रहा। अब मैं जैसे स्कैनर पे लाया तो यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया तो स्कैनर ने क्लिक कर लिया और यहाँ पे आ गया ओपन ब्राउज़र, तो मैं यहाँ से ओपन ब्राउज़र पे क्लिक कर देता हूँ, और जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मेरा इस तरीके से पूरा सेटअप करना स्टार्ट कर देगा, सेटिंग अप लिखा आ रहा है, सेटिंग अप आप यहाँ पे भी देखेंगे, और जैसे देखेंगे सेलेक्ट व्हाट डॉक्यूमेंट यू वांट टू स्कैन, कौन सा डॉक्यूमेंट आप स्कैन करना चाहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड जो आपको बता चुका हूँ मैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड और रेसिडेंस कार्ड, यानी कि सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड और यहाँ पे रेसिडेंस, और बाकी आपका देखेंगे यहाँ पे जो आपका पासपोर्ट है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ पे भैया आपको पासपोर्ट सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरे पास जो है पासपोर्ट है, तो यहाँ पासपोर्ट वीज़ा पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो बोल भी रहा है कि अलाइन योर पासपोर्ट टू द फ्रेम एंड टेक अ फ़ोटो, यानी आप उसको अलाइन करो, और इसको देखो यहाँ पे बता भी रहा है कैसे करना है।
तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर अलो एक्सेस देते हैं, और एक्सेस देने के बाद ओके ठीक है गाइस। तो जैसे ही आप देखो यहाँ पे स्कैन करोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपके पास आ जाएगा कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट आपको करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ से पासपोर्ट करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अलो एक्सेस करते हैं, यहाँ पे फिर से अलो कर देते हैं, तो यहाँ पे ये बोलता है कि आपका फ़ोटो वगैरह सब कुछ मांगता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें दे रखा है, तो शो योर पासपोर्ट, यानी यहाँ पे हम अपने पासपोर्ट को यहाँ पे दिखाते हैं। तो चलो हम यहाँ से सबसे पहले अपने पासपोर्ट को सेलेक्ट करते हैं। मान लो ये हमारा पासपोर्ट है लाइक दिस, तो पासपोर्ट इसने ले लिया। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने पासपोर्ट लिया तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे इंस्पेक्टिंग लिखा आ रहा है, तो इंस्पेक्टिंग यहाँ पे लिखा आ रहा, बस ये यहाँ पे कर ले इमेज आउट ऑफ फोकस, यानी कि यहाँ पे बोल दिया इमेज आउट ऑफ फोकस है। तो अगेन मैं ट्राई करता हूँ फिर से एक बार, लेट सी। अब फिर से मैंने एक बार ट्राई किया है कि बस ये कि यार आपका ना ये जो चीज़ है ना सामने रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कुछ भी किसी तरीके से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, तो ये है एक प्रॉब्लम इसके अंदर कि बार बार ये जो है इमेज आउट ऑफ फोकस बताएगा। सो गाइस आई होप कि आपने देखा कि भाई इस तरीके से जो एक पूरा प्रक्रिया है। अब देखो बात को एक यहाँ पे सबसे मेन चीज़ समझ लो, सबसे मेन चीज़ आपको क्या समझना है कि आप वही बंदा वेरीफाई कर सकता है अकाउंट जिसका आइडेंटिटी वेरीफिकेशन होना है। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो, जैसे मान लो मेरा अकाउंट है, मेरा पासपोर्ट है, मेरा वोटर आईडी है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है और मेरी फ़ोटो उनके ऊपर छपी हुई है, तो मेरे को एग्जैक्टली सारे टास्क मुझे करने होंगे, ना कि कोई थर्ड पार्टी वाला बंदा कर पाएगा। थर्ड पार्टी वाला तब कर पाएगा जो उसको गाइड कर रहा हो, उसको बता रहा हो कि ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो, तब जाके वो हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर में ये होने का पूरा प्रोसेस आपने देख लिया कि वहाँ पर स्कैनर है, मोबाइल नंबर आप डालोगे आपके पास लिंक आ जाएगा, ओपन होगा, ओपन होने के बाद में वहाँ पे कुछ परमिशंस मांगेगा, परमिशंस दे देंगे, फिर आपसे वहाँ पे क्या बोलेगा उसको मैच करो। जैसे आपने देखा मेरा फेल्ड हो गया था, आपने नोटिस किया था मेरा फेल्ड हो गया था, बट आफ्टर दैट फिर से मैंने जो है वो डिटेल्स मैंने मैम के पास फॉरवर्ड किया। मैम को मैंने बोला कि भाई उनको गाइड किया कि आप ये चीज़ कीजिए ये चीज़ कीजिए, उन्होंने कैप्चर किया प्रॉपर तरीके से, वो वेरीफाइड हो गया। फिर उसके बाद में कैमरा जो है ओपन हुआ, आप समझिए, फिर उसके बाद में कैमरा भी ओपन हुआ, वो इसलिए कि भाई जो वेरीफाई कर रहा वही सामने है, जिसका डिटेल्स है, इसका नाम है, सब कुछ वही है कि कोई और आदमी है सामने है। तो ये सबसे गजब की चीज़ है भैया कि अब हर कोई वेरीफाई नहीं कर पाएगा, वेरीफाई वही आदमी कर पाएगा जिसके पास डॉक्यूमेंट है और जो सामने वाला बंदा है उसी का चेहरा मैच करेगा एज पर डॉक्यूमेंट। अभी तक क्या होता था कि लाइक मान लो कहीं से ले लिया पैन कार्ड और किसी का भी नाम डाल लिया और सामने कोई और कर रहा है, तो ऐसा नहीं, जिसकी फोटो डॉक्यूमेंट पर है वही बंदा सामने होना चाहिए ताकि उसका फेस डिटेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो वेरीफाई सक्सेसफुल दिखाएगा। जैसा कि आपने कुछ स्क्रीनशॉट भी देखे, ये बेसिकली मैम को मैंने बोला कि मैम आप मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करो, क्योंकि उन्हीं की तरफ से वेरीफिकेशन होना था। क्योंकि देखो आपने नोटिस किया कि जब मैं इसको कैप्चर कर रहा था और वो मोबाइल से यानी कंप्यूटर से, तो वो उसको डिनाई कर रहा था, वो मैच नहीं कर रहा था। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको आइडेंटिटी वेरीफिकेशन कंप्लीट करनी है तो बहुत ध्यान से करना है। कि आपने देखा भी स्क्रीनशॉट देखा होगा, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ये मैम की फ़ोटो है, यहाँ पे देखो मैच्ड आ गया, टिक मार्क हो गया, कंटिन्यू आ गया, सब कुछ। तो यानी देखो ये पूरा एक लास्ट स्टेप है, कंटिन्यू करने के बाद ही आपका सक्सेसफुल सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो गाइस आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, यानी आप ये समझ लो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल बदल चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है। अगर आपने थोड़ी भी मिस्टेक की तो आपकी बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो जाएंगी। तो बाकी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी राय क्या है, और ये प्रोसेस आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। बाकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई कंसल्टेंट चाहिए और कोई इशू है अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप जो है मुझसे डायरेक्टली आप मेरी वेबसाइट www.techrajman.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, मेरी टीम आपका सॉल्यूशन कर देगी। बिकॉज अभी कल से जो है आप सबके लिए मेरा नंबर ऑफिशियल नंबर लॉन्च कर दिया जाएगा, जिससे कि आप इजिली मेरी टीम से डिस्कशन कर पाएंगे। सो गाइज बस ये थे कुछ अपडेट्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को लेकर। गाइज बाय, फिलहाल मिलते नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।